इन द एयर, अरे भैया रे भैया, हवा में प्यारा ही प्यार। भाभी जी के लिए प्यार है या फिर धुतकार है या फिर कुछ और है वो भी बता देती। भाई छोटकरनी जीजी का कल रात में वीडियो आया था और वीडियो में भैया मम्मी जी ने उखली दी है, काहे के खातिर वो भी बात करेंगे, है ना। और बड़कनी जीजी का भाई बर्थडे वाला वीडियो आपने देखा ही है, हालांकि उसी दिन से वीडियो शुरू है, लेकिन भाई दीदी ने ना बड़कनी का स्पेशल डे था तो बड़कनी कवर करेगी। हमारी दीदी का एक सूत्री कार्यक्रम है जिसका स्पेशल डे वो कवर करेगा, दूसरा उसमें कोई मुंह नहीं मारेगा। हालांकि हमारा बग्गा ये सारे गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता है और वो घुस जाता है किसी के भी कंटेंट में, ये तो आप लोग जानते हो, है ना। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, कुछ ऐसे ही सीन, कुछ ऐसे ही नज़ारे हमें देखने को मिले। तो और हाँ भाई साहब, वही अष्टमी का जो व्रत था तो भाई टाइम पास हो नहीं रहा था, कब तारा निकलेंगे, है ना। तो भाई मैडम लोगों ने जो फोटो सेशन किया है का ही बताएं। अरे ताया जी आ रहे थे घास लेके, उनकी घास भी छीन ली गए है, और दोनों बहनी हाथ में हाथ डाल के सीढ़ी से तर रही थी। हमें लगा कहीं आगे पीछे ना हो जाए फोटो के चक्कर में। नीचे कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारी चीज़ें कल हुई हैं वीडियो में, तो भाई सबसे पहले जो बात करेंगे, गए थे सब शॉपिंग करने। वैसे हमारी जीजी सुबह 5 बजे उठी थी, दिखा रही थी कि देखो अभी रात के तारे हैं और यही तारा मैं जो है अभी सुबह सुबह देख रही हूँ, लेकिन रात में यही देख के तब खोलूँगी व्रत। वैसे सामान सुमून आया था, मम्मी जी ने भी कुछ बाल्टी वाल्टी देखी और दीदी के लिए उखली ली। मम्मी जी ने अपनी जो जेठानी जी के लिए वो चीज़ ली है जिससे ना उनको दूध इधर उधर बर्तनों में ना लगाना पड़े, और मतलब रियल वाला बर्तन जो एक बाल्टी हो सकता है, भगोना हो सकता है, डेली डेली चेंज ना करना पड़े, वैसा कुछ सेलेक्ट किया। अब आप सोचेंगे कि तो मम्मी जी ने उखली काहे दी, तो भैया अदरक कूटने के लिए दी है। वैसे जो आप सोच रहे हो वो भी, चाहे तो दीदी अपना सर रख कर भी कूट सकती है। और जौन दिन मम्मी को गुस्सा आ गए वह दिन भाई हमें लग रहा है कि इनकी खोपड़िया मम्मी जी ठाए ठूँ ठूँ कर देंगी। कैसे मम्मी जी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करती चीज़ें, एक लेवल तक ही मम्मी जी करती हैं। ज़्यादा गुस्सा आ जाती हैं या तो डिस्टेंस बना लेती हैं बड़कन्नी की तरह, तो बोलबा नहीं करती हैं। लेकिन मरता कहना करता ही दोनों बेटौनियों से मम्मी जी का कुछ चल नहीं पाता है, तो मम्मी जी को बोलना ही पड़ता है। अब हमें तो भैया सिर्फ इंतज़ार है बग्गे के नए कंटेंट का। उसने बोला है ना कि अब हमारे चूल्हा चौका देख कर सब जने बोर हो चुके हो, तो हम अब चूल्हा चौका नहीं दिखाएंगे, हम कुछ नया कंटेंट लाएंगे। हमें तो ये देखना है क्या ये लोग कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हैं या फिर भाई कैसे क्या नया करेंगे। हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक डालेंगे, ननंदों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ननंद भाभी का पार्टिसिपेट वाला कुछ देख ले, है ना, जैसे कि तमाम क्रिएटर करते हैं। तो क्या नया होगा, कहीं कपड़ा नया पहन के तो ना आ जाए जी, कह दें लो नवा तो मिल गवा। आपको क्या लगता है कि हमारा प्रिय बग्गा क्या नया लेके आएगा। मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि बग्गा नया कुछ क्या लेकर आएगा, पर सुनने में तो आया कि बग्गा नया लाएगा। होपफुली उम्मीद यही करते हैं कि जो भी नया हो भाई, देखते हैं कि उससे क्या होगा, कुछ नया हमें फील होगा या हमें पुराना ही लगेगा। फिलहाल दोस्तों नया आ रहा है क्या, नया कुछ आ रहा है, रास्ते में है। वैसे मियाँ बीवी बना चुके होंगे और मैं भी अभी एक आध घंटे में वो अपलोड भी कर दें, सुबह 10:30-11 बजे तक कर भी देते हैं अपलोड, है ना। तो ये तो था हमारे बग्गा का अपडेट। तमाम जनता बेकरार है और ऊपर से तो कुछ टरू वाले कह रहे हैं कि देखो भाई बग्गे ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है बड़ी जिज्जी की दोस्ती के साथ। बड़ी जिज्जी पटना में गई थी तो उन्होंने भर भर के दोस्ती निभाई है लोगों से, उन्होंने अपना जो है दिल ऐसे लगाया, चाहे वो बग्गा हो चाहे बग्गी, इनके सबके खाने पीने को लेकर हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन कैसी नासुकरी बहुरिया निकली कि इंस्टाग्राम पे दीदी को बर्थडे विश करने का स्टोरी नहीं लगाई। लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, इंस्टाग्राम पे दुनिया देखती है, दीदी तो घर में है। दीदी ने जो बर्थडे अपना मनाया है उसमें देखा है हमने कि किस प्रकार से छोटी के हाथ में सब कुछ कमाया है। भाभी के हाथ से भी कुछ दिलवा सकती थी बच्चों को, नहीं इस बार छोटी के हाथ में दिया गया है। वैसे पिछली बार जब सामान आया था दुकान से बच्चों के लिए
तो दुपट्टा और बग्गा ही लेने गए थे। तो भाई हो सकता है कि पर्यटन को ये चीज़ बुरी लगी हो। तो दीदी ने कहा वो चल चल जा, आज तू ही बांट ले, जा ये चिप्स उप्स का पैकेट स्कूल के बच्चों को तो बांट ले। तो हमें तो यही लग रहा है ना। तो अब जब बग्गी घर ही में है तो भैया मुंह से विश कर दी होगी। अब ये तो मैं नहीं मानती कि इनके बीच में बात नहीं होती, ऑफ कोर्स होती है। जब फोटो शूट चल रहा था तो बैकग्राउंड में दो आवाज़ें आ रही थी, एक तो झुटियंका की आ रही थी और एक बग्गी या मम्मी में से कोई भी हो सकता है। हालांकि हमने देखा है कि जब झुटियंका का ब्लॉग था तब उसमें जो है किसी ने कहा बौद्धे गर्ल मत बोलो, बौद्धे लेडी बोलो। तो भैया हमार जिज्जी अपने आप को लड़की बोलती है, हम गर्ल ही बोलेंगे। हमार जिज्जी से आ जाएगी तो बौद्धे गर्ल ने पैर दिखाए थे, भाभी की कुर्सी बैठ के समोसा चाट रही थी। अब आप ही लोग बताओ, जब भाभी भैया समोसा खा रही तो बोली नहीं होगी, भाभी विश नहीं करी होगी। 100 बार मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि बग्गी ने बर्थडे विश किया है। तो टरो वालो नास पीटो, हम पता है एक तरफ चाटुकारिता करनी आती है, पर ऐसा नहीं है कि बग्गी ने विश नहीं किया। बग्गी ने विश किया है, बग्गी ने बर्थडे को, अब हो सकता है अपने तरीके से कुछ उसने गिफ्ट वगैरह भी दिया हो, है ना, जो कि उसके बर्थडे वाले वीडियो में दीदी का, अगर इससे रिलेटेड बग्गे ने कुछ बोलने दिया होगा तो बोलेगी। अब वो स्क्रिप्ट चेंज हो गया होगा तो ना बोलेगी, पर दिया ज़रूर होगा। अभी भी मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि बग्गी का वो नेचर नहीं है, ठीक है। तो नास पीटो, दिखावा करने से कोई फ़ायदा है? अब कोई दूर दराज हुए तो चलो इंस्टाग्राम पर विश कर दो, जब घर ही पे हैं, ऊपर वाले ठंडीले पे मैडम रहती हैं महतारी के साथ, और मतलब महतारी के साथ दो बिटवनी रहती हैं, एक बिटवनी का एक बच्चा भी रहता है और एक बिटवनी का एक पति भी रहता है जो कि गुप्त तरीके से रहता है। इतना सब कुछ चल गया, वैसे नोना जिज्जा छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी, तो का सीन है? नोना जिज्जा कहाँ है, चले गए का? ऐसा है दीदी यहाँ अकेली है, नोना जिज्जा चले गए हैं अपना लेक्चर वक्चर अटेंड करने। आप सबको का लगता है का नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि भैया नोना जिज्जा चले गए होंगे, है ना। तो भाई आपको बता दीजिए चले गए होंगे कि होंगे, है कहा इसकी दिख ना रहे नोना जिज्जा। वैसे दिखे तो करवा चौथ के दिन भी ना थे, पर अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। मैं भी कहीं इधर उधर कुछ ज़रूरी काम हो तो छुट्टियां बढ़ा के आए हूँ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि नोना जिज्जा हो। चलिए जी, तो भाभी वाला तो क्लियर हो चुका है, तो भाभी के बारे में ज़्यादा 3-5 तुम लोग ना ही करो, और करने हैं तो भैया छोटंकी करें बड़कन्नी के बारे में करो। का है वादा का हुआ था कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे, तमाम लोगों ने कहा था ठंड आ रही स्वेटर ले आना, मफलर ले आना, टोपा ले आना, लेकिन दीदी ने तो टोपा पहना ही दिया, चिप्स दे के समोसा बांट के। तो कोई यो कर सका था जी, ये कौन सा था है? तुम बड़ी क्रिएटर हो, कितना बड़ा बड़ा क्रिएटर है, उससे बड़ी क्रिएटर हो तुम, क्रिएटर माता हो सारे क्रिएटर्स की, लेकिन तुमने एक समोसा में, जैसे सिर के बर्थडे में समोसा पकड़ाए गए थे बच्चों को हाथ में, वैसे समोसे बांटे गए होंगे, समझ रहे हो? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बांटे गए होंगे, वैसे समोसा इतना ज़्यादा थे नहीं तो घर परिवार के लोगों में आ गए होंगे। साहिल भी बैठा था, बग्गी भी बैठी थी, अब हमारी प्यारी बग्गी 2 समोसा खाई होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों में आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए दीदी होशियारी मत करिए, आप इस कह रहे हो नचड़ी दीदी आप ऐसे, काश कि जो आपका ये वीडियो है ना 12,324 लोग देख चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, कमेंट्स 150, और मात्र वो कमेंट जिसमें लोगों ने प्यार भर भर के दिया है, हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं लाली मेरे लाल की, जिस देखूँ तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कुछ वैसे वाले हाल हैं। बस लोग इनकी तारीफें करे जा रहे हैं, तारीफें करे जा रहे हैं, सुपर से भी ऊपर, वाओ गॉर्जियस क्यूटनेस ओवरलोड, बहुत ही सुंदर, दिल ऑरेंज सूट कहाँ से लाए हो, प्लीज़ दी ऑरेंज सूट कहाँ से लाए हो, प्लीज़ लिंक दो। वैसे बड़कन्नी जुज्जी ने भी ना ऑरेंज सूट पहना था करवा चौथ पे, अब छोटकन्नी ने भी ऑरेंज ही पहना है। तो भाई सारा जहाँ ऑरेंज ऑरेंज, और ऊपर से एक चीज़ और हमने नोटिस करी है का कि हमारी जो दीदी है, हमारी दीदी का जो मैचिंग हो रहा था सनसेट के साथ हो रहा था, है ना, वो बता रही थी जो फोटो शूट कर रही थी ना कि यहाँ पर हो रहा है,
टेढ़ी मालकिन का नक्चड़ी मालकिन का फोटोशूट, तो कहीं इधर कहीं उधर। और हाँ एक रील भी आ गई, घास खोपड़ी पे ले है गई है रील लेके, तो आप जाके रील भी देख सकते हैं। मतलब मैं नहीं देख सकती, मुझे ब्लॉक किया है दीदी ने, बताया ना आप सबको कि बहुत ज़्यादा प्यार मुझसे करती है बेनती। हाँ मतलब इतना ज़्यादा तो भाई साहब कागजी पति को भी नहीं करती जितना मुझे करती है, समय समय पे प्यार का प्रूफ देती रहती है ना। तो मैं तो देख नहीं सकती, पर आप लोग जाकर देख लीजिए। लेकिन हमारे लिए दीदी थोड़ा सा कर देती है, रील उठा के इधर भी डाल देती है, थोड़ा सा उसमें क्लिप लगा देती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चला देती है। तो घास रोड से उठा के और वहाँ तक चली गई है जहाँ पे उसके खेत होते हैं, जहाँ पे बग्गा काम करता है, कबो जाली के पीछे से कबो जाली के उस पार से। तो यही सब चल रहा है दोस्तों, वाकई में और कुछ नहीं है, फालतू की बकवास चल रही है। और बस इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत हो गया है। हाँ थोड़ा पूजा पाठ भी दिखाया है दीदी ने, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं दिखाया है, मम्मी जी के साथ बैठ के व्रत की कथा पढ़ी है ना, तो ये चीज़ भी हमने देखी है। और हमारी बड़ी जिजी ना सदरी वदरी पहन के बैठी हैं, है ना, आए हाय लहंगा की तरह फैला के बैठी हैं, मम्मी जी भी इस तरफ बैठी हैं। तो ये सारा कार्यक्रम हो चुका है, अब आते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपने बग्गा बग्गी पे, क्योंकि कल बग्गा बग्गी ने जो ये टाइटल डाला था तो उससे देखो उनको व्यूज़ तो मिल गए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है कि व्यूज़ ना मिले हैं। लेकिन भाई साहब इसमें जो चीज़ें थी लोगों ने भर भर के जो सुनाई हैं वो चीज़ें अब लिमिट से बाहर हो गई हैं। 34,000 लोगों ने देखा है, जितना भी सामान ले लो मायके वालों को कभी खुशी नहीं होती, है ना। इस कंटेंट इस टाइटल की वजह से लोग आए हैं और 386 इसमें भले कुछ कमेंट डिलीट हुए हों जो बहुत ही ज़्यादा वैसे हों, बाकी 386 कमेंट आए हैं, समझ रहे हो ना। कमेंट डिलीट करने से आपको पता है वीडियो पे इम्पैक्ट तो पड़ता है, हेल्ड फॉर रिव्यू से भी वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बग्गे ने सोचा होगा कि चाहे जो हो जाए, जिसके बारे में जिसको जो लिखना है लिखे, और वीडियो मेरी बस रैंक करनी चाहिए इन तीनों से, हम तीनों में मैं अप होनी चाहिए। वैसे 34,000 व्यूज़ देख कर बड़कन्नी के सांप लोटे गवा होगा भाई साहब कि हाय मैं यूट्यूब की मालकिन, मेरे पास इतना कम व्यूज़ और यूनास पीटा की 34,000 व्यूज हैं, वाह जी वाह। तो भाई लोगों ने बस इसमें भर भर के बग्गी को तोला है, बग्गे को तोला है, और भाई क्या फ़ायदा जब लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं तो समझ जाओ। वैसे कुछ एक हर कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ना ये मुझे भी कमेंट करती हैं, इनका टाइटल पढ़ना, ओह सॉरी इनका जो कमेंट है वो पढ़ना चाहूँगी। परेतिन के ससुराल वाले के लिए सब कुछ भी लाना पड़ता था तो वो डाउरी का नाम दिया जाता था, हैं। अब भैया तुम बताओ ये जो बग्गा करके लाया है या फिर गिफ्ट का नाम दिया जा रहा है, और भाई ये भी है कि फैमिली को कुछ लेना देना पड़ जाए तो अपनी बेटी को देना पड़ जाए तो डावरी डावरी, वाह साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। भैया ये बढ़िया लिखा है, तमाम लोगों ने लाइक किया है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर टरो वाले आ गए हैं और टरो वालों ने अंकुश को बोला है, उस बंदर अंकुश की फैमिली ने सबको दिया ही क्या है, एक सोने का टुकड़ा तक नहीं दिया शादी में, उसकी माँ भी कमाती है। अच्छा इनका कहना है कि एक सोने का टुकड़ा तक नहीं दिया शादी में, उसकी माँ भी कमाती थी, कपड़े सिलाई कर रही थी। ओ हो हो कपड़े सिलाई में कितना रुपया कमा लेती थी, हैं। इतना ही नहीं इन्होंने ये भी लिखा है कि पुराने गहने नहीं हैं क्या उस बुढ़िया के आसपास, जो भी उसमें कुछ दिया ही नहीं पड़े थे इनको, और कुछ बहन भी काम आती, इकलौती बहू को नहीं दे सकती थी वो, औरत कैसी होगी, हैं। इनका कहना बुढ़िया दबा के बैठी है, तो भैया हो सकता है कि वो रखी हो दवा कि अपनी बेटी के खातिर, बहन के काम आएगा सब कुछ, इकलौती बहू है लेकिन उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन सब्सक्राइबर ने बहुत बढ़िया दिया। तुम्हारी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि तुम किस टाइप की हो, तुम्हें भी लगता है कि अपनी सास की बैंड बजा रखी होगी, वाह जी वाह शिवानी वॉसम, आपने क्या रिप्लाई किया है। वैसे भी पर्यटन को सीखना चाहिए ससुराल में कैसे एडजस्ट किया जाता है, स्टार्टिंग में इस मामले में दुपट्टा को अप्रिशिएट करती हूँ,
अच्छे घर की लड़की हमेशा एडजस्ट करती है, पर इतिन की तरह नहीं हो जाती, चुगलियां करने लग जाए माँ बहन के साथ। सास ने सुबह उठने के लिए बोल दिया, नहाने के लिए बोल दिया, तो अंकुश ने चाय के बदले दूध पीने के लिए बोल दिया, तो अत्याचारी पत्ते ही बना दिया। वो भी अपनी भाभी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। हैं, इससे पता चलता है कि कौन क्या है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, शिवानी जी अपने औसम रिप्लाई किया। उसके बाद टरु वाले नासपीटों का रिप्लाई नहीं आया है, शायद कुछ जवाब ना रहा होगा। पर सच्ची बात यही है कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि परेती नकलौती बहुरिया थी उस घर की, तो वैसे बग्गा दो चार भाई हैं का, हमारे हिसाब से ये कहे हैं, है ना। और मम्मी जी ने ना उसके पौधे पे कुछ स्पेशल किया, ना ही कुछ अभी करवा चौथ पे किया। जो रस्में रिवाज है, सुहाग का सामान चाहिए, सोने की तो बात छोड़ दो, सुहाग का सामान गाड़ी में भरवा के भेज सकती थी, फल का टोकरा भेज सकती थी, भिजवाई। तो टरो वालों, दिया तले अंधेरा है, पहले उजाला कर लो फिर बकवास कराया ना। हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें तुम बोल रहे हो उसे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। हैं, लोग इसीलिए कहते हैं कि जब सिड हुआ था तब पहली बार कुछ गिफ्ट देने गए थे तो झूठियंका ने तमाशा किया था ब्लॉग में। अरे हमने तो भैया वो ब्लॉग भी देखा है, मम्मी के मुंह में कैसा कैमरा लगाए लगाए के पूछा जा रहा है, तब मम्मी लिफाफा देंगे कि कपड़ा देंगे, तब मम्मी कार्ड तो आया नहीं, बुला हुआ तो आया नहीं, फ़ोन तो आया नहीं, कीचड़ कचरा वाला भी देखा है। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति वाली ये महिला हैं और ये डायलॉगबाजी कर रही, ये बताएंगे कौन किसको क्या देगा। दुपट्टा तुम्हारे पापा और भाई कितने मेहनत करनी पड़ेगी अब तुम्हारा सामान देने के लिए। हाँ जी, क्योंकि ये डायलॉग मारा गया था बड़ी दीदी के द्वारा अपनी मम्मी से कि मम्मी हमारे भाई को कितना ओवर टाइम करना पड़ेगा, परेतिन को जो एक्स्ट्रा सामान देना पड़ रहा है शादी के बाद, याद है। सब्सक्राइबर्स कतई कुछ नहीं भूलते हैं और आप हमेशा ये प्रूफ करते हो, है ना, जो ये लोग बोलते हैं इन्हीं का करा धरा, इनके कर्मों का लेखा जोखा आ जाता है। एग्जैक्टली, वो भी फेस्टिवल पर दुपट्टा के पैरेंट्स अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। हैं, दीपक ने तो भैया अपने हिस्से की बहनों को दे दिया, वो भी छोटी सामान को नहीं देखते रहते हैं। तो एक चीज़ बताएं, फोर्स इधर से भी नहीं किया गया था, रिचुअल के सामान बताया गया, तो वो भी बच्चे के, जो आपके जिगर का टुकड़ा है, तनिक शर्म नहीं आती है। हैं, बच्चे को लेकर भी तुम लोग ऐसी सोच रखते हो, ऐसी धारणा रखते हो, तो आप समझ सकते हो। बातें तो और भी बहुत कुछ हैं, पर वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। जाने से पहले ये कहना चाहेंगे कि असलियत भरे बहुत सारी बातें अभी मुझे करनी हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि बग्गा के वीडियो में पहली बार बहुत सारी सच्चाइयाँ रह रही, और मैं तो कह रही हूँ ऐसे रखो ये सच्चाइयाँ, क्योंकि सच्चाइयाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।